नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो वीडियो बहुत ही खास बनने वाली है, आज की वीडियो में बुध ग्रह के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बुध ग्रह से हमें बुद्धि प्राप्त होता है और बुध ग्रह का जो स्वामी कहा जाता है भगवान गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज को बुद्धि का दाता कहा जाता है और भगवान गणेश जी की कृपा के कारण ही हमें बुद्धि प्राप्त होता है। जिनके बुद्धि तीव्र हो उनके जीवन में कभी भी धन की अभाव किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। मित्रों, बुध के कारण हमारे जीवन में पारिवारिक कलह आता है, कलेश आता है, मान हानि, जो हमारे जो बुद्धि होता है छीन हो जाता है, छोटे छोटे बात में हमें गुस्सा आने लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बुधवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए और बुधवार के दिन क्या करना चाहिए जिससे बुध ग्रह मजबूत हो, भगवान गणेश जी हम पर प्रसन्न हो। साथ ही साथ मैं रत्न धारण करने के बारे में भी बताऊंगा। छोटी सी वीडियो बनने वाली है, 3 मिनट की वीडियो बनने वाली है, अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं कि अगर बुध ग्रह को मजबूत किया जाए तो किस प्रकार से इसे मजबूत किया जाए जिससे हमें बुध ग्रह का जो है कृपा हमें प्राप्त हो और हमें हर जगह लाभ ही लाभ मिले। तो भगवान गणेश जी महाराज और बुध को प्रसन्न करने के लिए, बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हाथी की दांत पहनने की सलाह दी जाती है। जी हाँ मित्रों, जो हाथी की दांत होता है ना, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है हाथी जो है, और इसे गणेश जी प्रसन्न होते हैं बुध ग्रह भी अगर हमारे कुंडली में कमजोर हो वो भी मजबूत होने लगते हैं। अब देखिए, जो हाथी के दांत होते हैं प्रायः हर किसी को नहीं मिल पाते, तो इस सिचुएशन में अब जो है हाथी की जो कहा जाए लॉकेट आती है हाथी की, या फिर हाथी का जो धातु आता है जैसे कि स्वर्ण में बना हुआ, तो चांदी में बना हुआ हाथी जो कहा जाए लॉकेट होता है ये भी उतना ही प्रभाव दिखाता है जितना जो हाथी के दांत पहनने समय फायदा मिलते हैं। दूसरा प्रयोग, मदार का गणेश अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होते हैं। मदार का गणेश जो होता है अति उत्तम माना जाता है, इसकी पूजा करने से हमारे घर में अन्नधन की बढ़ोतरी होता है, हमारे घर में कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता। एक टोटके बता रहा हूँ, बुधवार के दिन अवश्य करना, लाभ मिलेंगे। नीम के जड़ में जा करके कच्चा दूध डालना, इससे इच्छा की पूर्ति होती है, और थोड़ा सा कच्चा चावल डाल देना। आपकी जो भी दबी हुई इच्छा हो जीवन में, जिस भी चीज की आप कामना करते हैं वह इच्छा चाह करके भी नहीं हो रहे, वह इच्छा तत्काल आपको 24 घंटे के भीतर में देखना मित्रों, वह इच्छा निश्चित रूप से आपकी पूर्ण हो जाएंगे। और अगर एक बार में यह उपाय करने के बाद फायदा नहीं मिलते तो लगातार 3 बुधवार तक यह उपाय करना, 100% आपकी दबी हुई इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। एक और टोटके नोट करके रखे, 2 सुपारी आपको लेना है, 1 सुपारी को गौरी मान करके लाल कपड़े में बांधना है, 1 सुपारी को भगवान गणेश जी मान करके सफेद वस्त्र में बांधना है, और इसे घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना, आप चाहते थे इसे पूजन स्थान पर स्थापित कर, इससे भी आपके घर निरंतर धन की बढ़ोतरी होगा, भगवान गणेश जी तथा माता पार्वती जिसे हम गौरी बोलते हैं इनकी कृपा प्राप्त होगा। आई वीडियो में जानते हैं बुधवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हरी वस्तु चबाने से खाने से हमारे कुंडली में बुध ग्रह निर्बल होता है, कमजोर होता है। बुध ग्रह अगर आप रुष्ट हो जाए तो आप नपुंसक हो सकते हैं, इतना ज्यादा इसके अंदर में ताकत होता है, हमारे यौन ताकत को खींच देता है, समाप्त तक कर देता है। हो सके तो इस दिन हरी चीज पर पैर न रखें, जैसे कि धनिया है, सब्जी, कुछ भी जो हरी चीज है, जैसे कि घास भी आ जाते हैं, तो घास के चलते आपको खाली नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, पुराने फटे पुस्तक कापी वगैरह से भी नहीं बेचना चाहिए, इससे बुध ग्रह कमजोर होते हैं। तो बुधवार के दिन उपाय करना चाहिए जिससे बुध ग्रह मजबूत हो, तो इस दिन कांसे का अंगूठी धारण करें, इसे हमारे बुध ग्रह कुंडली में मजबूत होता है, इसे हमें कुंडली में धन योग बनते हैं, हमारे बुद्धि तीव्र होते हैं। ये नहीं कर पाने पर कुश की जड़ा पहन सकते हैं, कुश बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हरे वस्त्र धारण करें, इससे हमारे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं, और बुध ग्रह मजबूत होते तो हमें धन दौलत सुख संपत्ति बुद्धि तथा हर चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थे बुधवार के दिन किए जाने वाले ज्योतिष उपाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।